So the topic of today's discussion is basically e-assessment tools. E-assessment tools are so many. कोई ये नहीं कह सकता कि मैं एक टूल इस्तेमाल करता हूं तो वो सही है, आप दूसरा टूल इस्तेमाल करते हो तो वो गलत है. सो इट इज नॉट लाइक दैट. वी ऑल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ e-assessment टूल्स एंड वी कीप ऑन यूजिंग दोज टूल्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स. बट If you are going to use any e-assessment tool, I just want to discuss first that what are the issues associated with it? What are the things which you should keep in your mind while choosing a particular assessment tool? Or assessment, jo e-assessment ke tools hain, unko hum kahan kahan istemal kar sakte hain. So the first part of my discussion will be around need and how to select an assessment tool. And then I will demonstrate at least two tools in live mode to create a quiz or a question paper, collect the responses and grading and all those things I will try to explain to all of you. Hum ye assessment karne ki baat kar kyun rahe hain? Because we all as a teacher or as a trainee teacher, ye baat hum sab mante hain ki assessment teaching learning ka ek essential component hai. चाहे हम फेस टू फेस मेथड में टीचिंग करें या हम ओडीएल में टीचिंग लर्निंग करें या हम ऑनलाइन में टीचिंग लर्निंग करें, टीचिंग लर्निंग कहीं भी हो, असेसमेंट उसका एक एसेंशियल कंपोनेंट रहता है. और जनरली हमें दोनों तरह का असेसमेंट करना पड़ता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हम बच्चों को लर्निंग में मदद कर पाएं, वो क्या सीख रहे हैं. कई बार हम बहुत इनफॉर्मल तरीके से भी क्लासरूम में छोटी छोटी क्विज, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर पूछ लेते हैं. कभी कभी हम यूनिट के एंड में, सेमेस्टर के एंड में, क्लास के एंड में पूरा क्वेश्चन पेपर बनाकर उनका असेसमेंट लेते हैं. तो दोनों तरह का असेसमेंट हम ई असेसमेंट से कर सकते हैं. दूसरा, इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ज्यादा होती है क्योंकि हम बड़े ग्रुप पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंटेंट की एनालाइज कर सकते हैं. बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम ध्यान में रखकर कोई ई असेसमेंट टूल डेवलप करते हैं, तो इसलिए इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी एक टीचर मेड टूल की बजाय थोड़ी ज्यादा होती है. ई असेसमेंट टूल के फायदे ये हैं कि एक तो ये हमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग के साथ साथ असेसमेंट फॉर लर्निंग में बहुत मदद करता है. व्हेन आई एम सेइंग इट हेल्प्स इन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इट मींस दैट द असेसमेंट विच वी यूज टू फैसिलिटेट द लर्निंग ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अर्थात कक्षा में या विद्यार्थियों के साथ ऑनलाइन एनवायरमेंट में पढ़ाते समय उनके पढ़ने को, उनके अधिगम को, उनके सीखने को और मददगार कैसे करें, इसके लिए हम जो बीच बीच में असेसमेंट के टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करते रहते हैं उसमें ये हमें बहुत मदद करता है. क्योंकि बहुत सारे क्विक टूल्स हैं और बहुत सारे हायर स्टैंडर्ड के टूल हैं. हम बहुत सब टूल्स की बात नहीं करेंगे. मैं अगर 20 टूल की खाली नाम गिना दूंगा तो वो आपके किसी पर्पज का रहेगा नहीं. सो आई विल फोकस ओनली ऑन टू टूल्स टूडे. इफ वी फील दैट we need more tools, we need more information about tools, then we will continue this session to the Saturday also, and then we will talk about some more tools on Saturday. But e-assessment ki khubi hai iski speed, bahut quickly ho jata hai, bahut accurately ho jata hai, aur hum iski transparency maintain kar sakte hain ki hamara, kyunki standards set hote hain, questions set hote hain, system answer analyze karta hai, system marks deta hai. तो एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और स्पीड तीनों इसकी क्वालिटी है. हम मासिफिकेशन कर सकते हैं क्लासरूम टीचिंग लर्निंग में. भले हम 100 लोग, 50 लोग या 40 लोग बैठे हैं और हम केवल उतने स्टूडेंट्स का असेसमेंट कर रहे हों, लेकिन अगर मुझे बड़े लेवल पर असेसमेंट करना पड़े, मुझे बड़े ग्रुप के साथ अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पड़े जैसे, तो हम मासिफिकेशन कर सकते हैं. बड़े से बड़े नंबर को ई असेसमेंट के थ्रू आसानी से डील कर सकते हैं, जो शायद क्लासरूम सिचुएशन में, फेस टू फेस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होता. बहुत सारे जो ई असेसमेंट एप्लीकेशंस हैं वो डेटा हैंडलिंग की के साथ आते हैं, तो हमें उनके नंबर नहीं चढ़ाने पड़ते, हमें उनके टेबल नहीं बनाने पड़ते, हमें उनका एक एक क्वेश्चन चेक नहीं करना पड़ता. तो जो डेटा हैंडलिंग और स्कोर मैनेजमेंट है वो ई असेसमेंट में ज़्यादा आसान हो जाता है. किसी भी ई असेसमेंट के चार कंपोनेंट्स होते हैं. एक तो इंस्ट्रक्टर या ट्यूटर स्पेस, अर्थात जो उस टूल को बना रहा है, वो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज, उसके पास अवेलेबल हार्डवेयर, उसके पास
available knowledge of the softwares which he or she can use for the e-assessment. Then तैयारी कि हमें क्या असेस करना है, कौन से कंटेंट का असेस करना है, किस तरह के क्वेश्चन से असेस कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन होने चाहिए. देन लर्नर स्पेस, जिनके लिए हम ये असेसमेंट टूल बना रहे हैं क्या उनके लिए ये टूल एक्सेसिबल होगा कि नहीं होगा. ऐसा तो नहीं हम कोई ऐसा टूल बना ले रहे हैं जो एक ऐसे एप्लीकेशन पर बना रहे हैं जो केवल डेस्कटॉप पर काम करेगी और बच्चों के पास मोबाइल है, अगर बच्चों के पास मोबाइल में वो हम असेसमेंट टूल भेजेंगे तो बच्चे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे. या हम कोई ऐसा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं जो जिसके लिए उनको बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है, बहुत लेंदी टूल इस्तेमाल कर रहे हैं. तो लर्नर स्पेस हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा स्टूडेंट किस चीज को एक्सेस कर सकता है आसानी से, और हमारी जो टोटल असेसमेंट की प्रोसेस है उसका डेटा एनालिसिस कैसे हो सकता है. तो रशीद और उनके साथ बहुत सारे रिसर्चर्स थे, उन्होंने पूरा रिसर्च उस पर किया और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि किसी भी ई असेसमेंट टूल के दीज आर फोर एसेंशियल कंपोनेंट्स: इंस्ट्रक्टर स्पेस, असेसमेंट प्रिपरेशन, लर्नर स्पेस एंड डेटा एनालिसिस. अगर ये चार चीजें हम अपने दिमाग में रखते हैं, कीप दीज फोर थिंग्स इन आवर माइंड, वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई अ गुड असेसमेंट टूल. देन व्हेन वी चूज एनी असेसमेंट टूल, व्हाट आर द की कंसिडरेशंस, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए. द फर्स्ट थिंग इज द पर्पज ऑफ असेसमेंट, कि हम ये असेसमेंट क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी डूइंग दिस असेसमेंट. वेदर द पर्पज ऑफ द असेसमेंट इज जस्ट टू नो व्हाट लर्नर्स आर लर्निंग, whether the purpose of assessment is to promote them to the next class, whether the purpose of the assessment is to just replace it a traditional unit test. So what is the purpose, why are we doing it? Then what is the content, uski vishay kaun si vishay vastu ko hum test karne ja rahe hain. Hum koi practical subject hai, hum science mein test karne ja rahe hain, mathematics mein test karne ja rahe hain. Mathematics mein agar hame test develop karna hai to hame aisa tool dhoondna hoga jisme formula hum aasani se draw kar sake. कुछ टूल्स ऐसे होते हैं शायद जो फार्मूला ड्राइंग का परमिशन नहीं देते, तो वो टूल फिर हम मैथमेटिक्स में यूज नहीं कर पाते. तो हमारे असेसमेंट का कंटेंट क्या है, किस तरह की कंटेंट को हम असेस करने जा रहे हैं. देन हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये डिसाइड करते हैं हमारे लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे. अगर हमने कोई नॉलेज लेवल का ऑब्जेक्टिव बनाया है, फिर लर्नर हमारे विद्यार्थी कौन है, मैं इन सब के बारे में एक एक करके भी बात करूंगा. अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिटिक्स और होस्टिंग, कि वो प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां ये सॉफ्टवेयर होस्ट होने वाला है जिसको हम अपने असेसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं. तो ये सात पैरामीटर्स हैं, मैं इनको क्विकली टच करता हूं. व्हेन वी टॉक अबाउट पर्पस, वी आस्क अ क्वेश्चन व्हाई, मींस आर वी गोइंग टू डू एन असेसमेंट फॉर लर्निंग और वी आर गोइंग टू डू एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग. सो इफ द पर्पस इज डिफरेंट, द नेचर ऑफ द असेसमेंट, द टूल ऑफ द असेसमेंट एज वेल एज द क्वेश्चंस इन द असेसमेंट चेंज. Then whether it is a formal assessment or informal assessment, हम जितना भी assessment practices करते हैं, हर एक को number नहीं देते, हर एक को marks नहीं देते, हर एक के number किसी बच्चे की growth में, progress में जोड़ते नहीं. बहुत सारे questions हम class में, बहुत सारे quizzes, बहुत सारे puzzles हम class में design करते हैं केवल बच्चों की teaching learning में facilitate करने के लिए, जो एक तरह का informal assessment होता है. So what is the purpose, whether we are going to do an informal assessment, a quick assessment, or we want a systematic complete assessment or a formal assessment. So this is also one of the key. Then are we going to test the learner's aptitude or their achievement. Agar unka achievement test karne ja rahe hain to shayad hamara focus content par zyada hoga, lekin agar hum unka aptitude agar test karne ja rahe hain to shayad hamara jo skills unhone acquire ki hain un skills ki testing par hamara focus zyada hoga, content par focus kam hoga. हालांकि दोनों को अलग अलग करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी दोनों में फर्क होता है. देन व्हेन वी टॉक अबाउट कंटेंट ऑफ द असेसमेंट, हम असेसमेंट किस चीज का करने जा रहे हैं, क्या जो क्लासरूम में हमने लेक्चर दिया या जो यूनिट पढ़ाई हम उसको असेस करने जा रहे हैं, या हम पूरे कोर्स को, कंप्लीट कोर्स वी आर गोइंग टू असेस, मींस होल सेमेस्टर कंटेंट एंड ऑल दैट. Whether it is a curricular assessment or co-curricular assessment, हम curricular activities का assessment कर रहे हैं या जो co-curricular activities हमने कराई हैं हम उनका assessment कर रहे हैं, और ये एक general assessment है या कोई special purpose assessment है. जैसे diagnostic testing एक special purpose assessment होता है, तो अगर उस तरह का कोई assessment है तो, क्योंकि ये सारी चीजें जब तक हम ध्यान में नहीं रखते हैं तब तक हम एक अच्छा tool बना नहीं पाते हैं. Learning objectives हमें ध्यान में रखने चाहिए, हम सब ने पढ़ा है lesson plan बनाते समय, unit plan बनाते समय, that there are at least in the knowledge domain there are six dimensions like remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating. To hame remembering ke liye agar question banana hai to memory based question banane honge, understanding ke liye banana hai to explanation based banane honge,
एप्लीकेशन के लिए बनाना है तो कुछ एप्लीकेशन बेस्ड या कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बनाने होंगे। एनालिसिस इवेलुएशन के लिए बनाना है तो अलग तरह के क्वेश्चन बनाने होंगे। क्रिएटिंग के लिए बनाना है तो कोई सिचुएशन देनी होगी जहां कुछ नया क्रिएट कर सके। सो वी ऑल नीड टू थिंक दैट फॉर व्हाट ऑब्जेक्टिव वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एन असेसमेंट टूल। देन हु, फॉर हुम वी आर मेकिंग, मीन्स हु आर आवर लर्नर्स। क्या वो लर्नर्स हमारे क्लासरूम के अपने स्टूडेंट हैं? क्या वो पूरे स्कूल या कॉलेज के लिए हम बना रहे हैं, केवल अपनी क्लास के लिए नहीं बना रहे हैं? या फिर हम अक्रॉस द स्कूल्स, स्कूल के बाहर जाकर बियॉन्ड द स्कूल्स मास टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं? हम एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन केवल मैथ के बच्चों के लिए, केवल साइंस के बच्चों के लिए, केवल इंग्लिश के बच्चों के लिए टूल बना रहे हैं, या फिर हम अक्रॉस द डिसिप्लिन इस टूल को बना रहे हैं? किस एज ग्रुप के लिए बना रहे हैं? क्या एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चे ही इस टूल को असेस कर सकते हैं या कोई भी इस टूल को असेस कर सकता है? द नेक्स्ट फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, कि हमें क्या चाहिए होगा, मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सारी चीजें हम कंसीडर करते हैं। इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ये जो असेसमेंट टूल है ये जिन सिस्टम्स पर एडमिनिस्टर होगा, क्या वो क्लाउड बेस्ड है या लैंड बेस्ड है? लैंड बेस्ड होता है जब स्कूल सिचुएशन होती है, जब हमारा इंटरनल नेटवर्क है तो जितने सिस्टम उस नेटवर्क से कनेक्टेड है केवल उन्हीं सिस्टम्स पर वो असेसमेंट टूल एक्सेस हो सकता है। लेकिन जब हम क्लाउड बेस्ड कर देते हैं तो कहीं से बैठकर, किसी भी जगह बैठकर हमारा असेसमेंट टूल एक्सेस हो सकता है। और डेटा स्टोरेज कहाँ होगा उसका? जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, क्या हमें उसकी कीमत तो नहीं चुकानी पड़ेगी? हमें उसके लिए पैसा तो खर्च नहीं करना पड़ेगा? वो एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर तो नहीं है? वो हमें मना तो नहीं करेगा टूल बनाने के लिए और यूज करने के लिए? या वो एक ओपन सोर्स या ओपन एक्सेस सॉफ्टवेयर है कि जिसको हम आसानी से अपनी मर्जी से, अपनी जरूरत के लिए बिना कोई पैसा खर्च किए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स का असेसमेंट कर सकते हैं? डेटा एनालिटिक्स भी एक बड़ा मुद्दा होता है व्हेन वी टॉक अबाउट असेसमेंट, क्योंकि वो लोकल सर्वर क्लाउड बेस्ड है, या फिर उसमें डेटा शेयरिंग की क्या ऑप्शन है? अगर हम स्टूडेंट का ईमेल कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या उसके साथ कोई सेफ्टी पॉलिसी अटैच्ड है? डेटा कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है? डेटा एनालिसिस वो कैसे हो रहा है? बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको ग्राफिकल एनालिसिस देते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको ग्राफिकल एनालिसिस नहीं देते हैं, केवल टेबुलर एनालिसिस देते हैं। तो हमको क्या चाहिए आउटपुट ऑफ द डेटा, और उस पर टीचर का कितना कंट्रोल है, डेटा कितने तरह से हमें मिल रहा है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो एक टीचर पूछता है। और ये होस्ट कहाँ हो रहा है? इंडिपेंडेंट है? प्लग इन की फैसिलिटीज, खासतौर पर जब हम कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे हमने मान लीजिए मूडल पर कोई क्लास स्टार्ट की है या गूगल क्लासरूम पर कोई क्लास स्टार्ट की है, क्या ये असेसमेंट टूल वहाँ प्लग इन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? या कुछ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं जिनमें इंटीग्रेटेड होती है उनकी असेसमेंट टूल्स, जैसे कैनवस में अपना असेसमेंट टूल इंटीग्रेटेड है, मूडल में अपना LMS टूल, अपना असेसमेंट टूल इंटीग्रेटेड है, तो हमें वो भी देखना पड़ता है। अब सवाल है कि हम एप्लीकेशन को चूज कैसे कर सकते हैं? जो पहला क्राइटेरिया हमें ध्यान में रखना चाहिए एज ए टीचर व्हेन वी चूज एनी असेसमेंट एप्लीकेशन, इट्स इंटरफेस एंड डिजाइन, कि ये दिखता कैसा है। और इसका इंटरफेस मतलब स्टूडेंट अगर इसको इंटरेक्ट करेगा तो उसके लिए डिफिकल्ट तो नहीं है इसमें नेविगेट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर जाना, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर जाना, तो उसका इंटरफेस कैसा है और उसकी डिजाइन कैसी है, उसमें कितने तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं? अगर मान लीजिए हम ऐसा कोई असेसमेंट टूल यूज करते हैं जिसमें केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉसिबल है, तो शायद हम सारे ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव नहीं कर पाएंगे जो हमें अचीव करने हैं। तो हमें एक ऐसा टूल चूज करना होगा जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम कर सकें, उनकी जब चाहे तब एडिटिंग कर सकें। वो टेस्ट और रिस्पॉन्स की एनालिसिस कैसे देता है, वो आंसर्स को स्कोरिंग में कैसे कन्वर्ट करता है, उसकी कंप्यूटेबिलिटी कितनी है, वो कैसे स्कोर्स को कंप्यूट करता है, क्या हम स्टूडेंट को स्कोर्स डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं या हमें उनको दूसरी जगह ले जाकर फिर शेयर करना होगा, क्या हमें कोई एडिशनल टेक्निकल सपोर्ट चाहिए या केवल हमारे पास जो सिस्टम है, जो चीजें हैं, हम केवल उनकी मदद से ही इतना कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमें अपने स्टूडेंट से अपने दिमाग में पूछने पड़ते हैं। वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चंस व्हेन वी चूज एनी एप्लीकेशन। अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, दिस ऑन दिस स्लाइड आई हैव जस्ट कलेक्टेड फ्यू नेम्स। आई एम नॉट सेइंग दैट ओनली दीज आर द ई असेसमेंट टूल्स, बट दीज आर फ्यू वेरी पॉपुलर ई असेसमेंट टूल्स। सोक्रेटिव है, गूगल फॉर्म है, आपने ज्यादातर ने यूज किया है, कहूट है, कैनवस है, H5P है, एडमोडो है, क्विजी है, मूडल है, एडपजल है, पैडलेट है, एडुलास्टिक है, फॉर्मेटिव है, टेस्टमोज है, मेंटीमीटर है, मल्टीपल टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, और इसमें से ज्यादातर टूल आपको फ्रीली अवेलेबल है जिसके लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है अगर आप अपने स्टूडेंट का असेसमेंट करना चाहते हैं। लेकिन सबके पर्पज अलग अलग हैं, सबकी यूजबिलिटी अलग अलग है। जैसे पैडलेट एक बड़ा इंटरेक्टिव
और कोलेबोरेटिव टूल है जहां बच्चे अपने सबमिशंस भी सबमिट कर सकते हैं, वो अपने वर्ड फाइल सबमिट कर सकते हैं, अपने पीपीटी सबमिट कर सकते हैं, अपने बनाए हुए इमेजेस सबमिट कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मेंटीमीटर क्विक टूल है, एक गेमिंग टूल है, तो हम असेसमेंट के गेम्स, छोटे छोटे गेम्स बनाकर और हम स्टूडेंट्स के साथ उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म, टेस्टमोज, सॉक्रेटिव, क्विजी, ये क्विज मेकर टूल्स हैं। H5P भी एक इंटरेक्टिव टूल है। तो मैं सारे टूल्स की बात आज नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ दो आसान, जो सबसे आसान क्विज मेकर्स हैं, गूगल फॉर्म और टेस्टमोज, वो आपको बताऊंगा कि अगर हमें इन पर क्विज बनानी है तो हम क्विज कैसे बना सकते हैं, स्टूडेंट्स के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं, स्टूडेंट का डेटा कैसे कलेक्ट होता है, कैसे दिखता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट टेस्टमोज एंड गूगल फॉर्म टुडे। गूगल फॉर्म हम लोग डेटा कलेक्ट करने के लिए, रिसर्च के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों टूल्स हम लोग क्विज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स प्रैक्टिस ऑन इट। तो अगर हमें गूगल फॉर्म में क्विज बनानी है, क्विज, तो हम कैसे बनाएंगे? जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि गूगल के टूल्स इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक जीमेल का आईडी होना चाहिए, तो वो जीमेल का आईडी हम यहां से साइन इन कर सकते हैं और अपने लॉग इन करने के बाद हम उनको यूज कर सकते हैं। हम मैं लॉग इन से ही शुरू करता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैंने अपने अकाउंट को लॉग आउट कर दिया था। मैंने अपने जीमेल अकाउंट से अभी लॉग इन किया है। जब हम अपने जीमेल अकाउंट से लॉग इन कर लेते हैं तब आप गूगल से गूगल फॉर्म सर्च कर सकते हैं। गूगल के ब्राउजर में जाकर, सर्च इंजन में जाकर यहाँ गूगल फॉर्म टाइप करके आप गूगल फॉर्म की साइट पर आ सकते हैं। और ये जो 9 डॉट्स होते हैं गूगल एप्लीकेशन के कॉर्नर में, अगर आप यहां क्लिक करेंगे और इसको आप नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे तो आपको यहां फॉर्म्स लिखा दिखेगा। सबसे लास्ट ऑप्शन जो है इसमें फॉर्म्स है, तो हम लोग इस फॉर्म्स को यहां से भी ले सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट ब्राउजर में जाकर और सर्च इंजन में गूगल फॉर्म क्लिक करके वहां से भी जा सकते हैं। तो हमें पहुंचाएगा वो एक ही जगह, चाहे हम यहां से जाएं या वहां से जाएं। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं अभी यहां से ही पहुंचने की। फॉर्म्स, द मोमेंट आई क्लिक्ड ऑन फॉर्म्स, गूगल फॉर्म का पेज खुलेगा, जहां, चूंकि मैं बहुत सारे फॉर्म बनाता रहता हूं तो यहां आपको बहुत सारे फॉर्म बने हुए दिख रहे हैं, लेकिन मैं अभी इन फॉर्म्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि इनका इस्तेमाल मैं करूंगा, केवल आपको ये दिखाने के लिए कि हम लोग कैसे गूगल फॉर्म को एनालाइज करते हैं। लेकिन अभी जो मेरा फोकस है वो ये है आपको बताने के लिए कि अगर आपको क्विज बनानी है तो कैसे बनाएंगे। तो जब आप गूगल फॉर्म के पेज पर जाएंगे तो यहां आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। आप ये टेम्पलेट्स भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि गूगल फॉर्म का लोग बहुत तरह से यूज करते हैं। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, कोई पार्टी कर रहे हैं उसके इन्विटेशन के लिए यूज करते हैं, कुछ और चीजों के लिए भी यूज करते हैं, रिसर्च के लिए यूज करते हैं। लेकिन हम अगर क्विज के लिए यूज कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग टूल की तरह, तो हमें ब्लैंक से स्टार्ट करना चाहिए। जहां स्टार्ट ए न्यू फॉर्म लिखा है, इसके नीचे प्लस का साइन है, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस साइन। आप जैसे इस प्लस साइन को क्विक क्लिक करेंगे, एक अनटाइटल्ड फॉर्म खुलेगा। अनटाइटल्ड फॉर्म मतलब अभी हमने इसको कोई टाइटल नहीं दिया है, अभी हमने इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, अभी हमने इसमें कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया। अगर मुझे इसको क्विज में कन्वर्ट करना है, तब आगे बढ़ने से पहले मुझे ये सेंड बटन के बराबर में जो सेटिंग का ऑप्शन है, सेंड बटन के पास में राइट हैंड साइड पर मेरे हेड के ऊपर आप देखेंगे वहां एक ब्लू कलर का सेंड बटन है, वो सेंड बटन के पास में एक सेटिंग्स का ऑप्शन है। अगर मैं सेटिंग्स ऑप्शन को क्लिक करता हूं तो यहां ऑप्शन आते हैं जर्नल, प्रेजेंटेशन, क्विज। तो हम क्या करते हैं, क्विज वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम क्विजेस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे यहां आता है मेक दिस अ क्विज। सो यू जस्ट क्लिक ऑन मेक दिस अ क्विज। जैसे ही आप मेक दिस अ क्विज पर क्लिक करते हैं, आपसे ये कुछ चीजें पूछता है कि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो आप क्विज पूरा करते ही स्टूडेंट्स अपने मार्क्स देख सकते हैं या आप उन्हें बाद में भेजेंगे। ये ऑप्शन हम तब चूज करते हैं इफ इन आवर क्विज ऑल क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस व्हिच कैन बी ऑटोमेटिकली ग्रेडेड, तब हम इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इफ यू पुट एनी क्वेश्चन विच इज मैनुअली ग्रेडेड, मान लीजिए आपने कोई लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी दिया है जिसका आंसर लिखने के लिए उनको स्पेस दिया है, तो अगर स्टूडेंट्स उस स्पेस को फिल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो फिर आप उनका आंसर देखने के बाद ही उसके ग्रेड देंगे। तो अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस के साथ साथ शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर रखने हैं, तब हमें ऑप्शन चूज करना चाहिए लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। जैसे ही आप लेफ्टर आफ्टर मैनुअल रिव्यू क्लिक करेंगे
तो ऑटोमेटिकली ये आपसे बोलेगा टर्न ऑन ईमेल कलेक्शन, उसको हम अभी क्लिक बाद में करेंगे। इसके बाद देखिए तीन चीजें हैं, इसमें तीन ऑप्शन है। रेस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चन, अगर आपके टूल में ज्यादा क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, और अगर स्टूडेंट्स ने उनमें से कोई क्वेश्चन मिस कर दिया टूल भरते समय, कई बार मोबाइल पर हम करते हैं एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है, तो क्या वो अपने मिस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? वी नीड टू चूज, आई थिंक दिस वी ऑलवेज अलाउ देम। करेक्ट आंसर्स, इफ इट इज फॉर देयर टीचिंग लर्निंग पर्पज एंड नॉट फॉर देयर एनी फॉर्मल असेसमेंट, हम उसके बेस पर उनको कोई मार्क कोई ग्रेड देने नहीं जा रहे, वो उनके टर्म एंड एग्जामिनेशन या सेमेस्टर एग्जामिनेशन का टेस्ट पेपर नहीं है, तब हम स्टूडेंट को करेक्ट आंसर देखना भी अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज अगर वो है तो हम कुछ समय के लिए इसको रोक सकते हैं। तो अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर नहीं देख पाएंगे, अगर इसको आप चेक करेंगे तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर देख पाएंगे। और पॉइंट्स वैल्यू, पॉइंट्स वैल्यू मतलब हर क्वेश्चन की कितनी पॉइंट वैल्यू है, वो पॉइंट वैल्यू देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं एवरी क्वेश्चन की, कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 2 मार्क का है, 3 मार्क का है, हाउ मेनी मार्क्स आर देयर इन एवरी क्वेश्चन। सो ऑल दीज आर द फ्यू बेसिक थिंग्स विच वी नीड टू सेट बिफोर मूविंग टू फ्रेम अ क्वेश्चन। सो लेट अस सेव इट, हमने लिखा है लेटर मिक्स क्वेश्चन, करेक्ट आंसर को अभी हमने नहीं दिया है पॉइंट वैल्यू, सो लेट अस सेव इट। एक बार हम इसको सेव कर लेंगे, आई विल अगेन गो द सेटिंग एंड क्लिक हियर रेस्पोंडेंट रिसिप्ट कलेक्ट ईमेल, देखिए अब इसने ऑटोमेटिकली कर लिया है। लेकिन हाँ एक और ऑप्शन है कि क्या आपके स्टूडेंट एक से ज्यादा बार आंसर कलेक्ट सबमिट कर सकते हैं या नहीं, तो फिर हम सेटिंग में जाकर जनरल सेटिंग में, अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं स्टूडेंट केवल एक ही बार सारे क्वेश्चंस का आंसर सबमिट करे, एक बार से ज्यादा हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, तो वी नीड टू क्लिक इट। अगर हम इसको नहीं करना चाहते तो वी कैन अनक्लिक इट। स्टूडेंट्स क्या सबमिशन के बाद अपना आंसर दोबारा एडिट कर सकते हैं? उनको लगता है नहीं मैंने गलत आंसर दे दिया है, क्या मैं दोबारा सही आंसर दे सकता हूं? इफ यू टेक इट देन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एडिट देयर सबमिशन, अदरवाइज दे विल नॉट बी सबमिट। और जो स्टूडेंट्स का सबमिशन है क्या उसका समरी चार्ट वो देख सकते हैं? अगर यस तो आप इसको क्लिक करिए, नहीं तो नो करिए। सो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू सेट बिफोर स्टार्ट अ क्वेश्चन पेपर। सो इफ इट इज अ क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जाम्पल यूनिट टेस्ट 1, साइंस, ठीक, तो हमने सबसे पहले टेस्ट का नाम दिया, फिर हम फॉर्म डिस्क्रिप्शन जहां लिखा है टेस्ट का नाम देने के बाद अनटाइटल्ड फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेस्ट का नाम ले लेगा, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम इसमें क्लास भी लिख सकते हैं, यूनिट टेस्ट साइंस, यहां से लिख सकते हैं ब्रैकेट में क्लास 6 फॉर एग्जाम्पल। तो हम उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्म डिस्क्रिप्शन। फॉर्म डिस्क्रिप्शन बेसिकली जैसे हम अपने फॉर्मल क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट्स को नोट देते हैं, एट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन केयरफुली, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, और देर आर 3 सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर, सो सेक्शन ए हैव ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप, सेक्शन बी हैव ऑल द शॉर्ट आंसर टाइप, सेक्शन सी हैव ऑल द डिस्क्रिप्टिव टाइप, सो ऑल दोज थिंग्स वी कैन डू। सो वट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट हियर जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द लर्नर्स, तो हमें जो भी इंस्ट्रक्शन यहां लिखने हैं वो इंस्ट्रक्शन हम यहां लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, एंड why I wrote this second instruction in Hindi, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि गूगल फॉर्म की सबसे अच्छी खूबी ये है कि हमारी दोनों लैंग्वेजेस को ये एक्सेप्ट करता है। तो अगर हम अपना टूल हिंदी भाषा में बनाना चाहें, कई बार हम हिंदी भाषी क्षेत्रों में पढ़ा रहे होते हैं, हमारे बच्चे अंग्रेजी में क्वेश्चन पेपर डील नहीं कर सकते, हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट के क्लास ले रहे हैं, हम हिंदी मीडियम स्कूल के टीचर हैं, तो हम गूगल फॉर्म को हिंदी में भी बना सकते हैं और इसकी हर चीज हिंदी में लिख सकते हैं, हम इस टाइटल को भी हिंदी में लिख सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं इकाई 1 विज्ञान विषय, ठीक, तो ये भी बड़ा आसान है। इसके लिए आपके कंप्यूटर में हिंदी का यूनिकोड कोई भी टूल डाउनलोड होना चाहिए जिससे आप टाइपिंग कर सके, अगर आपको उतना आता है तो आप बड़ी आसानी से हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करके अपना असेसमेंट क्विज बना सकते हैं। तो ये एक हिस्सा हो गया। इसके बाद ईमेल आईडी, चूंकि हमें बाद में आंसर भेजने हैं इसलिए ईमेल आईडी आएगी,
फिर इसके बाद शुरू होता है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। जहां अनटाइटल्ड क्वेश्चन लिखा है वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हम कई तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, मैं आपको 3 या 4 तरह के क्वेश्चन यहां बनाकर दिखाऊंगा सैंपल के तौर पर। मान लीजिए हमें पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस बनाना है, और हम ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि मैं फिर से इंग्लिश में आ जाता हूं कि हु डिस्कवर्ड द सेल। ठीक, यहां आपको स्पेलिंग के ऑप्शन भी मिलते हैं। पहला ऑप्शन हमने दे लिया, देखो ये इतना स्मार्ट है कि हमने क्वेश्चन लिखा और ये ऑलरेडी हमें सजेस्ट कर रहा है कि करेक्ट आंसर रॉबर्ट हुक होगा। हमें पता है करेक्ट आंसर रॉबर्ट हुक होगा, तो हम एक रॉबर्ट हुक लिखेंगे, हम एक आध नाम और भी यहां दे देंगे, रॉबर्ट ब्राउन, हम यहां एक नाम दे देंगे वॉटसन एंड क्रूक। यहां पर ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप कितने भी ऑप्शन दे सकते हैं, आप 2 ऑप्शन दे सकते हैं, 3 ऑप्शन दे सकते हैं, 4 ऑप्शन दे सकते हैं, इट इज अप टू यू। तो वॉटसन एंड क्रूक, और एक हमने ऑप्शन दे दिया इसमें मान लीजिए मेंडल, क्रिकेट जॉन मेंडल, राइट। नाउ इट इज ऑलरेडी शोइंग विच इज अ करेक्ट आंसर, सो वॉट वी नीड टू जस्ट क्लिक ऑन द आंसर की, और आंसर की पर क्लिक करके हमें वो ऑप्शन चूज करना होगा जो इसका सही आंसर है, और हमें ये तय करना होगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर मैंने यहां 1 पॉइंट चूज कर लिया तो अब हमने ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर नहीं है, ये हटा दीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट हुक, आंसर क्वेश्चन इज 1, देन वी विल क्लिक ऑन डन। तो अब देखिए ये हमारा शो कर रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, रिक्वायर्ड, यहां नीचे आप देखिए यहां लिखा हुआ है रिक्वायर्ड। सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड, तब ये क्वेश्चन का आंसर देना उनको कंपलसरी हो जाएगा। जब तक वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तब तक उनका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसके बाद आप यहां 3 डॉट्स देख रहे हैं, अगर आप इन पर क्लिक करेंगे तो ये एक ऑप्शन आपको देता है सफल ऑप्शन ऑर्डर, हर स्टूडेंट के लिए ऑप्शन का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, या हर बार उनका ऑप्शन का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो हम उसको भी क्लिक कर सकते हैं सफल ऑप्शन ऑर्डर, राइट। सो इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्रिएट करने के बाद अगर हमें अगला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ही बनाना है और 4 ऑप्शंस ही बनाना है, तो हम यहाँ ये जो कॉपी का डुप्लीकेट का ऑप्शन है इसको भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे एक और क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा, मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ किया तो सेम क्वेश्चन नीचे आ गया, राइट। बट मैं इसको अलग तरह से बनाना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं कि सेल वॉल इज अवेलेबल इन एनिमल सेल, और क्लियर करते हैं, सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज इज अवेलेबल इन एनिमल सेल। अब मैं इसको मल्टीपल चॉइस की बजाय इसको ट्रू एंड फॉल्स बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया सेल वॉल्स ऑफ द सेलुलोज, सेल वॉल ऑफ सेलुलोज इज अवेलेबल इन एनिमल सेल। तो मैं इसको यहां लिखूंगा फॉल्स, यहां लिखूंगा ट्रू, और बाकी ऑप्शंस की मुझे जरूरत नहीं है, तो बाकी ऑप्शंस मैं यहां से डिलीट कर दूंगा, राइट। अब ये रिक्वायर्ड और सफल ऑप्शन वो सारी चीजें ऑलरेडी आ जाएंगी। तो मैंने एक मल्टीपल चॉइस बना लिया, एक ट्रू फॉल्स बना लिया। मैं कोई ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता हूं जिसमें हम ये चूज करें कि स्टूडेंट्स ये देखें कि वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और ऑप्शन देना चाहता हूं, यहां पर मान लीजिए मुझे मैच द कॉलम बनाना है, या मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसके बहुत सारे ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर अवेलेबल ओनली इन अ प्लांट सेल। ठीक, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है इट इज टेलिंग अस दैट दिस क्वेश्चन शुड हैव मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस, देन मल्टीपल चॉइस विल नॉट वर्क। सो व्हाट वी विल चेंज इट एंड वी विल
check it checkbox option. So checkbox option will be there. Then option one will be cell wall of cellulose. Option two will be nucleus. Option three will be Golgi bodies. Option four will be vacuoles. ये दो करेक्ट हैं, सो देन वी विल गिव इट टू मार्क्स. तो दो मार्क्स हैं इसमें, दो करेक्ट आंसर हैं. फॉर एग्जांपल देन वी विल क्लिक ऑन डन, राइट, अगेन रिक्वायर. सो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी कैन फ्रेम. लेट मी शो यू टू मोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड देन आई विल गो टू द नेक्स्ट टू. हम कई बार अपने क्लास में क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को पिक्चर्स दिखाते हैं एंड वेन वी शो देम पिक्चर्स वी आस्क देम कि ये पिक्चर जो है, इस पिक्चर को देख करके आप बताइए कि इसमें आपको किस क्वेश्चन का जवाब देना है या इस क्वेश्चन का जो आपको जवाब देना है वो क्या है. सो व्हाट वी कैन डू, क्वेश्चन की जगह हम पहले इमेज ले सकते हैं, वो इमेज हम अपलोड कर सकते हैं, हम गूगल ड्राइव से ले सकते हैं, हम गूगल इमेज सर्च से ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमने उस दिन लिया था सेल ऑर्गेनेल्स फॉर एग्जांपल. डायग्राम, राइट, तो हम इस तरह से एक कोई भी डायग्राम ले सकते हैं या हमने कोई डायग्राम बनाया हुआ है तो हम वो डायग्राम बनाया हुआ ले सकते हैं. तो कोई भी इमेज हम इंसर्ट कर सकते हैं. लेट अस इंसर्ट एन इमेज जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस. मान लीजिए मैं यही इमेज ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल. सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट. जैसे हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे ये इमेज यहां आ जाएगी, राइट. Now, if you want to use this image in the quiz, there are two options. You can have an image without these names. तो हम लेबलिंग की एक्टिविटी भी यहां करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इमेज के ये नाम पहले से मिटा करके इमेज अपने पास सेव करनी होगी. उसके बाद हम इनको यहां लिख सकते हैं कि इसमें से ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, राइट. और इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका ऑप्शन चेक करना होगा, मल्टीपल च्वाइस ग्रिड देनी होगी. मान लीजिए मल्टीपल चॉइस ग्रिड में हमने यहां लिखा कि ए बी सी डी, चार चीजें हमने उनको दे दी, हमने यहां पर चार मार्क कर दिए बॉडी पार्ट और हमने यहां उनको लिख दिया कि ए जो है वो गोल्जी एपरेटस है, बी जो है वो वैक्यूल है, सी जो है वो लाइसोसोम है और जो डी है वो माइटोकॉन्ड्रिया है. माइटो एंड डी आर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. हम आंसर की पर जाएंगे, हम आंसर की में डिसाइड करेंगे कि क्या सही है. ए ये है मान लीजिए, सी वैक्यूल है, बी लाइसोसोम है, डी माइटोकॉन्ड्रिया है. तो हर एक के लिए अगर हम एक मार्क तय करेंगे तो हम यहाँ वन मार्क देंगे इसको, वन मार्क देंगे इसको, वन मार्क देंगे इसको, वन मार्क. तो ये आंसर की हमें पहले सेट करनी होती है, जो जनरली हम क्विज में करते हैं, जो हम जब हम गूगल फॉर्म को यूज करते हैं तब नहीं करते. तो हम इस तरह के पिक्चर बेस्ड आइटम्स भी बना सकते हैं और इसमें हमने जैसे ऊपर इसमें इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, और अगर नहीं भी लिखा है तो हम यहाँ एक इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, चूज द करेक्ट नेम फॉर द गिवन सेल ऑर्गेनेल्स. तो इस तरह से हम बहुत आसानी से क्विज बना सकते हैं. मान लीजिए हमने ये क्विज बना लिया, मैं बहुत बड़ी क्विज नहीं बना रहा हूं, केवल चार क्वेश्चन की क्विज आपको बना करके आई वाज जस्ट वांट टू शो यू. इफ इट इज ओके देन व्हाट विल से, इट इज रेडी, क्योंकि ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, हमें कहीं सेव बटन नहीं दबाना पड़ता. देन वी नीड टू सेंड इट टू आवर लर्नर्स. हमें अगर अपने स्टूडेंट्स को भेजना है तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ
सेंड बटन पर क्लिक करना है। अगर हमारे स्टूडेंट्स के मेल आईडी हमारे पास हैं तो हम उनके मेल आईडीज यहां पर टाइप करते चले जाएंगे कॉमा लगा करके, और वो ये क्विज उनको चली जाएगी, केवल आपको इंक्लूड फॉर्म इन द ईमेल में क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है स्टूडेंट्स के, आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई फेसबुक का लिंक है, कोई पेरेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आपको क्या करना है, ये जो सेंड बाया के बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन है लिंक का, इस पर आप क्लिक करिए, शॉर्टन लिंक क्लिक करिए। ये एक छोटा सा लिंक बन गया, आप इस लिंक को कॉपी कर लीजिए, इस लिंक को कॉपी करके आप कहीं भी पेस्ट कर लीजिए। यू कैन पेस्ट इट फॉर एग्जाम्पल ऑन अ वर्ड पेज, और उसके बाद आप इसको किसी को भी अपने स्टूडेंट्स को मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। जब ये स्टूडेंट्स तक चले जाएंगे तो फिर वो इस लिंक पर क्लिक करेंगे, और जब वो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो फिर वो इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। टोटल 8 पॉइंट की क्विज है, क्योंकि दो क्वेश्चन हमने एक एक पॉइंट के बनाए हैं, एक क्वेश्चन 2 पॉइंट का बनाया है और एक क्वेश्चन 4 पॉइंट का बनाया है, तो टोटल पॉइंट आपको शो हो रहे हैं। रेस्पॉन्स में अभी तक कोई रेस्पॉन्स, जब तक आप क्विज ओपन रखेंगे तब तक एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्स आता रहेगा, जब आप क्विज बंद कर देंगे तब एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्स बंद हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि रेस्पॉन्सेज इसमें दिखते कैसे हैं, सो दैट दिस डेमोन्स्ट्रेशन इज कंप्लीट। वो मैं दिखाता हूं। अभी हमने आप लोगों के साथ एक डेटा कलेक्ट किया था, इफेक्टिवनेस ऑफ वीडियो एज ई कंटेंट ऑन MOOC, तो आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि रेस्पॉन्सेज कैसे दिखते हैं। जैसे जब हम रेस्पॉन्सेज पर क्लिक करेंगे, यहां ये पूरे इंस्ट्रक्शंस थे, क्वेश्चन था, टूल था, आप में से बहुत सारे जिन लोगों ने MOOC में लिया था उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पर रिस्पॉन्स दिया है, 227 स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स अभी तक मेरे पास आया है, बट बिकॉज आई एम स्टिल एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्स, तो आप यहां देख सकते हैं कि एक तो हमें किस किस ने रिस्पॉन्ड किया वो दिख रहा है, फिर क्वेश्चन पूरा ग्राफिकली आ जाता है, कितने लोगों ने रिस्पॉन्ड दिया, अगर तीन आंसर है तो पहला आंसर कितनों ने दिया, दूसरा कितनों ने दिया, तीसरा कितनों ने दिया। सो एज ए टीचर यू गेट वेरी गुड आउटपुट, एज ए टीचर यू गेट वेरी गुड, वेरी कलरफुल ग्राफ्स, एनालिसिस, डेटा, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। सो इट ऑलवेज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू गेट द क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, ये आपको पूरी क्वेश्चन वाइज एनालिसिस दे देता है। और अगर आपको इसको डाउनलोड करना है एक्सेल शीट में, तो इस फिर इसमें एक ऑप्शन होता है, यहाँ ये एक्सेल का चिन्ह बना हुआ है जिसको लिखता है क्रिएट स्प्रेडशीट, इसके बराबर में 3 डॉट्स हैं, यू जस्ट क्लिक हियर, डाउनलोड रिस्पॉन्सेस CSV, सो व्हेन यू विल क्लिक इट, ये देखिए आपके उसमें एक्सेल शीट में सारा डेटा डाउनलोड हो गया, तो आपको ऑलरेडी डेटा मिल जाता है, आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको ग्राफिकल डेटा मिल जाता है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन का इशू नहीं है, डेटा एनालिसिस का इशू नहीं है, हर स्टूडेंट वाइज स्कोर मिल जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इजी टूल और फ्रीली अवेलेबल है। अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है सो यू कैन मेक योर दिस क्विज, सो इट इज अ वेरी गुड टूल विच आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू शुड यूज इट। और यहाँ आप देखिए कि ये हमको एक्सेल शीट में पूरा क्वेश्चन वाइज डेटा मिल गया कि वो यूजर नेम किसने सबमिट किया, कब सबमिट किया, हर क्वेश्चन में क्या जवाब दिया, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, क्या आपका क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन पे उनका क्या आंसर आया। सो यू कैन एनालाइज फ्रॉम एक्सेल ऑल्सो, इफ यू वॉन्ट टू गिव देम स्कोर्स देन यू विल गेट द स्कोर्स ऑल्सो, सो इट इज वेरी इजी टू गेट द स्कोर्स, इट इज वेरी इजी टू गेट द रिस्पॉन्सेज, इट इज वेरी इजी टू मेक अ टूल, सो दैट्स वाई दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन विच नहीं लिखने की जरूरत नहीं है किशोर, नो नीड टू राइट एनी क्वेश्चन और आंसर, नो नीड टू राइट एनी क्वेश्चन और आंसर, राइट। तो इस तरह से हम लोग जो है वो इस टूल को यूज कर सकते हैं।